जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडेल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूँ आदर्श यादव। जैसा कि हमारा लेक्चर चल रहा था, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे थे और उन क्वेश्चंस पर आधारित दो टाइप्स हम पढ़ चुके थे। थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हुए और इसके बाद अपने थर्ड टाइप पर आगे बढ़ते हुए, जो कि ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि तीन टाइप्स में आपके जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं संभवतः समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर यदि कोई डाउट्स आपको बचता है, मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको उस डाउट को क्लियर करने का तरीका आप तक पहुंचाएंगे। किसी भी तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। उसके बावजूद आपको वहाँ पे डाउट का निवारण हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए, हम उस पर बनेगा तो एक वीडियो और शूट करेंगे, जो क्वेश्चन हमें लगते हैं कि अगर नहीं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चंस हमने पहले से लिख रखे हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है और अगर मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ तो उसके लिए आपको समय भी बहुत लगेगा, ठीक है ना। वीडियो देखने में वीडियो शॉर्ट भी होना चाहिए और कंटेंट अच्छा हो, हमें आ भी जाए, इस तरीके की बात करनी रहती। क्वेश्चन 6 नंबर तक हम पढ़ चुके थे। 7वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो पिछले से रिलेटेड दो क्वेश्चंस होंगे, तीन क्वेश्चंस ये जो भी हैं ये पिछले से रिलेटेड हैं, अभी पिछले टॉपिक से। उससे उसके बाद अगली जो बात करेंगे उन थर्ड टाइप की करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। हमने बताया था कि जब भी कोई एक स्थायी चीज़ जैसे पुल होता है या रेलगाड़ी होती है, स्टेशन को पार करती है या पुल को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर तो दूरी तय ही करती है, साथ ही साथ उस पुल, उस सुरंग और उस रेलवे स्टेशन की भी लंबाई को साथ साथ पार करती है। तो अपने द्वारा, अपनी लंबाई के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना, जो उसकी लंबाई वही दूरी प्लस पुल, स्टेशन या सुरंग की लंबाई, दोनों मिलकर के पूरे टोटल डिस्टेंस बनती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 500 मीटर रेलगाड़ी जो है वो 150 मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जो टोटल डिस्टेंस हुई हमारी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, एक तो 150 मीटर की स्वयं रेलगाड़ी प्लस 500 मीटर का आपका जो पुल हो गया, कुल मिला के 650 मीटर, ये हमारी टोटल डिस्टेंस बनी जा करके। और जैसे ही टोटल डिस्टेंस बनी तो हमारे पास आगे कह रहा है वो कि लंबे पुल को 30 सेकेंड में पार करती है। हमको टाइम भी दे दिया गया है, कितना भैया, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का समय दे दिया गया। आगे कह रहा है कि यह रेलगाड़ी 370 मीटर, अगली बात उसने कही है कि अगला एक पुल था वो कितने का था, 500 मीटर का, अब 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ठीक है, ये बात थी हमारी पुल की, ये पुल है यहाँ पर। और अब अगर बात अगली जो करेगा वो बात हो रही है रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन ये चीज, अब जो रेलवे स्टेशन है वो हमारा 370 का, 370 मतलब 370 का रेलवे स्टेशन प्लस 150 मीटर लंबी रेल, क्योंकि वही है यह रेलगाड़ी, यही रेलगाड़ी जो है वो भी उस प्लेटफार्म को भी पार करती है। तो ये हो गया, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा कितना, 520, ठीक है, 520 मीटर, 520 मीटर हमारी ये टोटल डिस्टेंस इससे मिल गई। अब पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इससे मिल क्या क्या सकता है। तो देखिए, डिस्टेंस हो गई, टाइम हो गया, सबसे पहली बात, तो हम यहाँ से स्पीड इस ट्रेन की निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हम, डिस्टेंस हमारे पास है 650, समय हमारे पास है 3, सॉल्व करेंगे तो 65/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। इसके बावजूद अगर हम, जब यही रेलगाड़ी क्या करती है, एक 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, तो कितना समय लगेगा। अब हमने क्या किया, पहले वाले से हमने स्पीड निकाल ली है, ये हमारे पास स्पीड आ चुकी है कि 65/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है, और इसी स्पीड से वो इस प्लेटफार्म को भी पार करेगी 370 मीटर लंबे। और जब इसको पार करेगी तो इसके लिए हमारी स्पीड हमको मिल चुकी 65/3 मीटर प्रति सेकेंड।
आगे बात हमारी आती है टाइम की, तो टाइम इज इक्वल टू समय बराबर, ठीक है ना। अभी स्पीड हमने निकाला तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो डिस्टेंस हमारी 520 है, स्पीड हमारी 65/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 520/65 × 3। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 65 से डिवाइड करें, 13 से कर लेते हैं, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 5 × 8 = 40। आप चाहो तो सीधे कर सकते हो, 65 × 8 = 520 और 8 × 24 सेकेंड जो हमारा समय लगेगा ये रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करेगी। तो जो टोटल समय हमारे पास लग रहा है जो उस ट्रेन का, कितना लग रहा है भैया? 24 सेकेंड का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज़रा एक बार इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली और अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसको तब तक साफ कर लिया जाए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रफ हो गया है। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ, अब क्या है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई, ठीक है ना, दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाइयों का अनुपात दे रखा है 4:9। और हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि जो रेलगाड़ियों की लंबाई होती है वही हमारी दूरी का, डिस्टेंस का काम करती है। तो जो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात दिया है, मतलब हम अगर बात करें D1:D2, तो वो दिया गया है 4:9। इसके बाद आगे उसने कहा है उनकी गतियों का अनुपात, गतियों बोले तो चाल स्पीड, ठीक है ना, यानी उनकी स्पीड्स का जो अनुपात है वो है कितना, तो S1:S2 इज इक्वल टू 2:3। इसके बाद बात कर रहा है किसी खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात। हमने बताया था खंबा हो या व्यक्ति हो, इनको पार करता है अगर, तो इनकी कोई अपनी एक लंबाई नहीं होती है, इनको हम शून्य मानते हुए कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके क्या कर रहा है, किसी खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, मतलब टाइम पूछा गया है। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चूंकि यहाँ पे टाइम किस तरीके का पूछा गया है, अनुपात पे पूछा गया है दोनों का, तो हम लिखेंगे T1 या T1/T2 इज इक्वल टू D1/S1 होल अपॉन D2/S2। समझ में आया होगा, आ रहा होगा, मतलब ये कि हम पहले क्या करेंगे, अगर हम T1 निकालें, छोड़ देते हैं इसको, समझते हैं। और दूसरी बात, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T1 और T2 का अनुपात फाइंड करना है, ये हमको चाहिए। और जब ये चाहिए तो हमें पहले चाहिए T1, T1 के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन समय, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हिंदी और वो मिक्स हो गया। तो समय इज इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली ट्रेन की बात करेंगे जब हम, सॉरी यहाँ पे देखिए D2 लगा लीजिए, पहली ट्रेन की जब बात करेंगे तो पहली ट्रेन का जो समय होगा वो दूरी बटे समय, सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको, दूरी पहली ट्रेन की कितनी है 4, समय स्पीड कितनी है 2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2, ये हमारा T1 आया। इसके बाद अगर हम T2 की बात करें तो T2 हमारा क्या आएगा, तो D2/S2, चूंकि दूसरी ट्रेन की है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, हमने अपनी सुविधा के लिए ये मान रखा है। D2 हमारा 9 है, S2 हमारा 3 है, 3×3 = 9, यानी ये 3 आ गया। अगर हम T1:T2 की बात करें तो आ गया हमारा 2:3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भैया, जो कि हमारा सही ऑप्शन था। इतनी बात यहाँ तक सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अगली और अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, आपके सामने 9 नंबर लिखा हुआ है, तब तक मैं इसको साफ कर लूँ, आप पढ़िए तब तक इसको। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी, ठीक है, एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। अब बात समझने वाली ये है कि निश्चित दूरी, अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको हम एक टैग दे देते हैं,
जिसको हम इम्पॉर्टेंट का टैग देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और आपको बहुत इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है एग्जामिनर के द्वारा, और बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो समझना ये है कि इम्पॉर्टेंट है तो किस बेस पे है, और सवाल में कुछ ज़्यादा नहीं है। सवाल को दो तरीक़ों से हम सॉल्व करेंगे। एक तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे जब हम एक्स मान कर चलेंगे, जब हम एक्स मान कर चलेंगे पहली कंडीशन पर। इसके बाद दूसरा जो है वो हमारा होगा ऑप्शन से, फ्रॉम ऑप्शन। ये दो टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें, और बहुत ही सिंपल वे पे पढ़ेंगे, मज़ा आएगा सवाल को सॉल्व करने में। सबसे पहले उसने बात की कि एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को, दूरी मान लेते हैं कि एक एक्स है उसके पास, ठीक है, निश्चित दूरी उसके पास एक्स है, 4.5 घंटे में तय करता है, ठीक है ना। टाइम उसको मिल गया, ये डी हो गया, ये टाइम हो गया 4.5 घंटे, 4.5 घंटे। इसके बाद उसने बात ये की है कि 4.5 घंटे में तय करती है यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अगर चाल बढ़ा दी जाए, ये तब की बात है, ये पहले है, ठीक है ना। अब क्या करें कि चाल को बढ़ा दिया जाए, चाल बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए, चाल बढ़ा दी जाए, मतलब एक्स थी 5 बढ़ा दी गई, एक्स प्लस 5 कर दिया गया। तो उसे यही दूरी तय करने में, डिस्टेंस उसकी, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, चाल बढ़ाई गई है, हमने दूरी बढ़ा दी, दूरी को हमने एक्स माना था, कह रहा है चाल बढ़ा दी जाए। तो चाल हमारी कितनी है देखिए जरा, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ाई जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसमें कि चाल अभी हमें दिया नहीं गया, चाल को हम निकालेंगे, चाल निकालते कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। तो हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें कि डिस्टेंस हमारा दिया गया है एक्स, जो कि हमने माना है एक निश्चित दूरी है, उसको हमने एक्स मान ली है कि एक्स किलोमीटर एक निश्चित दूरी रही होगी, और उसी को मानकर हम काम को आगे बढ़ाते हैं। डिस्टेंस एक्स है और टाइम हमारे पास है 4.5 घंटे का। जो स्पीड बनी हमारे पास वो क्या बन गई, एक्स अपॉन 4.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड बन गई इसकी। अब स्पीड वही है, स्पीड में कह रहा है कि कितना बढ़ा दिया जाए, 5 और बढ़ा दिया जाए। समझना है बात को, बात को बहुत गहराई से समझना है कि स्पीड वो बोल रहा है कि 5 और बढ़ा दी जाए, हमने क्या किया, स्पीड को 5 बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है, ठीक है ना। तो समय उसको लग रहा है, एक रेलगाड़ी को एक दूरी है उसको तय करने में 4.5 घंटे का समय, इतने आवर्स को। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, मतलब पहले चाल मान लेते हैं कि स्पीड उसकी एक्स रही होगी, एक्स किलोमीटर पर आवर। दूसरी कंडीशन में उसने ये बोला है कि अगर स्पीड को हम क्या करें कि 5 बढ़ा दें, बढ़ गई। जब देखिए समय ये लग रहा था, स्पीड एक्स थी, तो उसके पास जो डिस्टेंस बनेगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और बोले तो एक्स इंटू 4.5, इतने किलोमीटर की उसकी जो रहेगी वो रहेगी डिस्टेंस, ठीक है, क्या रहेगी, इतने किलोमीटर उसके पास डिस्टेंस रहेगी। अब बात आती है कि जब चाल बढ़ा दी जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दीजिए, तो यह दूरी, मतलब जो दूरी आई है उसको तय करने में उसको समय लगता है 1/2 घंटे का कम, ध्यान समझिए, उसे यही दूरी तय करने में 1/2 घंटे का कम समय लगता है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की धीमी चाल ज्ञात कीजिए, मतलब धीमी चाल ये है, कौन सी, एक्स वाली, और 5 ही बढ़ाई गई है तो ये बढ़ी हुई चाल है, और धीमी वाली चाल वो पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू कुल मिला के पूछ रहा है। और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल बढ़ा दी जाती है तो क्या होता है भैया कि समय जो लग रहा है वो 1/2 घंटे का कम लग रहा है। अब समय देखिए, डिस्टेंस हमारे पास सेम है, क्योंकि डिस्टेंस की बात वो पहले बोल चुका है कि कितनी है, तो देखिए निश्चित दूरी,
ये बात इस पर ध्यान दीजिए, निश्चित दूरी। निश्चित मतलब एक जो दूरी एक बार ले ली गई है वही दूरी है, और डिस्टेंस हमारे पास जब ये है तो हम अगर यहाँ पे टाइम निकालें, टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले दिन सारे कुछ लिखा चुके हैं, सारे जितने भी फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, तो आप लोग माइंड में रखिएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस जो है वो हमारी है एक्स इंटू 4.5, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा एक्स प्लस 5 स्पीड। टाइम बता दिया उसने कि आधे घंटे का समय, क्या भैया आधे घंटे का समय कैसा लग रहा है? कम लग रहा है। कितने का? आधे घंटे का। पहला कितना? 4.5 घंटे, आधा घंटा कम, यानी कितने देर में पहुंच रही है ट्रेन? 4 घंटे। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। और जब 4 घंटे पहुंच रही तो समय भी हमारे पास 4 घंटे का। इस क्वेश्चन को हम एक यहाँ पर टैग दे देते हैं, वो है इम्पॉर्टेंट का, इम्पॉर्टेंट का टैग, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं, सवाल बहुत सिंपल है। इसको दो वे पे करेंगे, दो तरीकों से हम करेंगे। पहला तरीका हमारे पास जो होगा वो एक्स वाला होगा, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास तरीका होगा वो होगा ऑप्शन से। सारे तरीकों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी से विद इन सेकेंड्स में आप सवाल को सॉल्व करेंगे। समझाने में तरीके में देर लगती है कि समझाया कैसे जाता है, उसमें थोड़ा सा मामला लेट होता है, लेकिन आपको समझना ये है कि किस तरीके से किस वे पे हम बात करना चाह रहे हैं, बस उसी पे चलते जाइए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब अगर यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप अगर सीधा सीधा करना चाहें तो x की वैल्यू 60 रखते जाइए, मल्टीप्लाई कराते जाइए, सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम यहीं से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखते हैं 4 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं। तो ये बनेगा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 4.5x, और अगर 4.5 में 4x को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बचता है 0.5x इज इक्वल टू 20। दशमलव हटाओ, इधर 0 बढ़ाओ, 5 से इसको काट दो, 5 को 20, यानी x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो आ गई हमारी, ये आ गई स्पीड, ये स्पीड आ गई कौन सी? जब वो 4.5 घंटे की दूरी तय कर रही थी तब उसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। 5 बढ़ाने के बाद उसकी जो है वो बनेगी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो धीमी स्पीड पूछी गई थी, यहाँ उसने बात की है, देखिए धीमी चाल ज्ञात कीजिए, और धीमी चाल का मतलब पहले वाली चाल, क्योंकि बढ़ाई तो बाद में गई है। अब बात करते हैं ऑप्शन से हम किस तरीके से इसको बिल्कुल विद इन सेकेंड्स में हिट करेंगे, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। हमारे पास दिया गया है क्या? स्पीड। क्या दी गई है? स्पीड। डिस्टेंस बराबर हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब समझना ये है कि हमसे पूछा गया है कि धीमी चाल ज्ञात कीजिए, और चाल दी गई है, तो आप चाहो तो इसको बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 4.5 घंटे का समय उसको लग रहा है, 4.5 घंटे का समय, 4.5 घंटे का लग रहा है, स्पीड आपके पास कितनी है? ये दी गई, ठीक है। आप स्पीड रख लीजिए, पहले 4.5 घंटे का समय लग रहा है, स्पीड उसकी कितनी होगी? 60 ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा हमारे पास 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 और 3 = 27, 270। अब स्पीड बढ़ी है, समय कम हुआ है, यानी 5 बढ़ी है, ले लेते हैं फिर। तब डिस्टेंस क्या रहेगी? ये 65 हुआ है, ये 4 हुआ है, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 और 2 = 26। ऑप्शन गलत, सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया भैया? यहाँ से गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। और अगर हमारा ऑप्शन सेम आता तो हम बात आगे करते। इसको सॉल्व करने का एक और बहुत बेहतरीन तरीका है कि अगर ऐसे तो हम देख ही सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, हमने देख लिया पहला ऑप्शन हमारा बेकार चला गया। अगर एक चीज़ और देखना चाहें, ये फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, इसमें एक चीज़ यहाँ से आप ये अगर ना करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए ये हमारी डिस्टेंस आई पहली वाली, कब? जब समय 4.5 घंटे का लग रहा था, गाड़ी धीमे चल रही थी, स्पीड बढ़ाई हमने, समय बढ़ा, ठीक है ना, समय कम हुआ, कितना? आधा घंटे का। तो हमारा जो टाइम है
वो आना चाहिए। कितना? 4 घंटे अगर टाइम आ जाए। कैसे आ जाए? दूरी हमारी 270 आई है इसके अकॉर्डिंग, ये वाला जो ऑप्शन लिया है 60, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिस्टेंस आई है वो 270 आई है। चाल हमारी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई गई थी, पहले कितनी थी 60, बढ़ाई गई 65। सॉल्व करेंगे तो 5 से काटें तो 13 आएगा, पचम 25, 5 चौको 20, नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, बात करते हैं अगली, इधर बात कर लेते हैं, हमारे पास जगह थोड़ी सी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने इसी तरीके से आप दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, हम ले लेते हैं चौथे ऑप्शन में। बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर हमने 4 लिया, क्यों? क्योंकि हमको पता है 4 नंबर सही था, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने कहा कि डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। पहली बात, स्पीड हमने कहा कि 40 आ गई, ठीक है 40 आ गई, पहली वाली। समय पहले कितना लग रहा था? 4.5 घंटे का लगा दिया हमने। सॉल्व किया तो हमारे पास जो आया तो आया कितना? 180, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे ये 180 किलोमीटर आएगा। 45 दूना 90, 45 चौको 180, 0 था तो दशमलव हट जाएगा। नहीं अगर समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए, 1 0 4 5 20, 4 चौको 16, 17 और 1 18, दशमलव 1 अंक पहले लगाएंगे तो 180 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये जो 180 किलोमीटर आया ये हमारी दूरी आई है। ठीक, अब उसने क्या कहा है कि चाल जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई गई है, तो समय कितना? आधा घंटे कम हुआ है। और जब समय आधा घंटे कम हुआ है मतलब 4 घंटे का समय लग रहा है, मतलब जो हम टाइम निकालें वो 4 घंटे आना चाहिए। कब? जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें। डिस्टेंस हमारी 180 यहाँ से निकल आई है इस ऑप्शन से, स्पीड को पहले 40 थी, 5 इंक्रीज की गई है यानी 45 हो गई है, और 45 चौको 180 होता है यानी आधा घंटे कम समय लगना चाहिए 4 घंटे का। भैया हमारा काम हो गया, 4 घंटे का समय कम लग रहा है, ये भी हो गया हमारा। ठीक, अगर आपको लग रहा हो कि इससे काम नहीं चलेगा, हम ये नहीं करेंगे, तो आप फिर से वही वाला अपनाइए। आपको दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमने उठा ली 40 ऑप्शन के माध्यम से, टाइम हमारा 4.5 घंटे का लग रहा था, दूरी हमारी 180 आ गई। ठीक है, दूरी इससे भी 180 आई है, अब हमें दूसरे मेथड से भी 180 आना चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या की गई? 5 बढ़ाई गई, 45 कर दिया, समय आधा घंटे कम हुआ 4 कर दिया, 45 चौको 180, डिस्टेंस दोनों में सेम आ रही। ठीक, तो ये दोनों हमारे पास तरीके थे, इन दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके पुराने लेवल के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे टाइप थर्ड की, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। इनमें क्या होगा? अभी क्या था? अभी ट्रेन एक थी और वो किसी व्यक्ति को किसी खंभे को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को पार कर रही थी। अब अभी क्या है? अभी थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, ट्रेन के साथ साथ व्यक्ति जा रहा होगा विपरीत दिशा में, या तो उसके साथ साथ जा रहा होगा, ऐसे ट्रेन के साथ दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर चल रही होंगी ऐसे, या विपरीत भी आ सकती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो फिर क्या करेंगे? अभी स्थायी थी एक चीज़ और एक चल रही थी, अब दोनों चलेंगी, दोनों अस्थायी होंगी। ठीक है ना, मतलब दोनों चलता होंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, चलिए देखिए। तो देखिए क्वेश्चंस हैं आपके पास, बात आती है अब टाइप थर्ड की। जो टाइप है वो हमारे पास यहाँ से थर्ड टाइप चालू हो जाता है। टाइप थर्ड में उन अस्थाई चीज़ों की बात करेंगे, जैसे ट्रेन्स हैं। क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, या कभी कभी दोनों एक ही दिशा में चलेंगी। ठीक है, उन सब की बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रेन है, ये इधर जा रही है, और एक ट्रेन ये है और ये इधर जा रही है। तो अगर इस ट्रेन को पार करना है, इसको ये मान लेते हैं इसकी 50 किलोमीटर पर आवर दे दी गई है इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इनके दोनों के जो एरो हमने बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको इससे ये पता चल जाए कि ये कैसा है, ये विपरीत दिशा में है। ये आपको ये पता चले कि अगर एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है, इस तरीके से जो ट्रेनें हैं वो हमारी ऐसे जा रही हैं विपरीत दिशा। ठीक है, अब जब ट्रेन कभी भी विपरीत दिशा में चलती है तो उसके लिए बात क्या होती है, समझना है। मान लेते ये ट्रेन है और ये 50 की स्पीड से
इधर जा रही है और ये 40 की स्पीड से इधर जा रही है। तो जब विपरीत दिशाओं की बात की जाती है तो ट्रेन इधर वाली क्रॉस करेगी, और अगर क्रॉस करने की स्पीड हम देखें तो दोनों का क्या होगा, क्योंकि ये 40 की स्पीड से जाएगी, ये 50 की स्पीड, दोनों सर से एकदम निकल जाएंगे। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि जब ये दोनों अपनी अपनी स्पीड से चलेंगी तो विपरीत में क्या होता है। विपरीत में इसमें देखिए तीन केस होते हैं हमारे पास, और उन तीनों केसों की बात मैं करूँगा स्टेप बाय स्टेप। पहला केस तो ये होता है कि विपरीत दिशाओं में चालें जो होती हैं वो हमेशा जुड़ती हैं, जो स्पीड्स होती हैं वो हमेशा जुड़ती हैं। ठीक है ना, तो विपरीत में क्या होता है, विपरीत में चालें जुड़ती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे ये ट्रेन 50 की स्पीड से 40 की स्पीड जा रही, तो इनकी जो स्पीड होगी ओवरऑल वो हमारी कहलाएगी कितनी है, तो 50 प्लस 40 यानी अब ये 90 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे को पार करेंगे। जो स्पीड ओवरऑल बनेगी 90 किलोमीटर पर आवर बनेगी, और 90 किलोमीटर पर आवर से दोनों को वो पार करेंगे। ठीक है, यही बात अगर हम थोड़ी सी उल्टा करके बोल दें, यही हम कह देते कि एक ट्रेन ये है और एक उसी के बगल में एक ट्रेन ये चल रही है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर आपसे पूछा जाए कि अब ये दोनों किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों एक साथ चल रही हैं तो 50 वाली जो है वो आगे जाएगी, लेकिन आगे जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी ये समझना है। ठीक है ना, ये तो इसके इसके पार करने की स्पीड है, ये जो निकली है ये पार करने की स्पीड है, पार करने की स्पीड। ठीक है, क्योंकि जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में है तो जब एक दूसरे को पार करेंगी, एक तो 50 की स्पीड से एक 40 की स्पीड से, यानी जब एक दूसरे को पार करेंगी तो 50 प्लस 40 और ये टोटल ओवरऑल जो बनेगा वो 90 किलोमीटर पर आवर से पार करेंगी। यही अगर एक ही दिशा में होती, ये विपरीत की बात थी इधर वाली, ये दिशा में बात है, दिशा में, तो दिशा में क्या होता है, अगर ये 40 की स्पीड से ये 50 की स्पीड से, यानी अगर ये 40 पे चलती तो दोनों बराबर चलती रहती हमेशा, लेकिन 50 की स्पीड से चल रही यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी ज़्यादा है, और उस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पार कर जाएगी उसको। बात ध्यान से समझिए, तो बात यहाँ से ये कंक्लूज़न ये निकला कि जो ट्रेन विपरीत दिशाओं में होती हैं उनकी जो चालें होती हैं आपस में घटती हैं, यानी अब जो ये पार करेगी वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से पार करेगी, तो ये भी हमारी जो होगी ये पार करने की स्पीड है, पार करने की। ठीक है, यानी अब जब ट्रेन इसको पार करेगी तो वो 10 किलोमीटर पर आवर से पार करेगी। ठीक है, तो दूसरा जो केस बना वो हमारे पास वो ये बना कि जो दिशा में अगर बात की जाए तो दिशा में चालें घटती हैं, दिशा में चालें घटती हैं। तीसरी एक और बात होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस कैसे कितना पार करेंगी, तो जब ये ट्रेन मान लेते हैं ये आपकी जो है ये 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर और ये आपकी 30 मीटर लंबी है, ये आपकी 20 मीटर और ये 30 मीटर, 20 मीटर 30 मीटर लंबी दोनों ट्रेनें हैं, तो दिशा कोई भी हो ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करेगी तो 20 ये अपनी लंबाई पार करेगी, साथ ही साथ 30 इसकी भी पार करेगी। तो ये जब पूरी ऐसे मान लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ये 20 मीटर ये 30 मीटर, अब ट्रेन जैसे ही यहाँ आई तुरंत हमने टाइमर स्टार्ट किया, तो ये जब ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगी तो टाइमर बंद करेंगे, यानी 20 इसका 30 इसका, 20 और 30 50 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी 50 मीटर। तो तीसरा जो ऑप्शन बना वो हमारा ये बना कि दिशा कोई भी हो, ठीक है ना, विपरीत में हो चाहे दिशा में जा रही हो, ठीक एक ही दिशा में हो, तो कोई भी दिशा हो हमेशा दूरी जो होती है वो दोनों ट्रेनों का योग होता है, दूरी दोनों ट्रेनों का योग, ये या दोनों वस्तुएं जो भी जा रही होंगी उनका योग होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से जरा, क्वेश्चन जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि 9 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं, 10वां नंबर जो क्वेश्चन है और टाइप चेंज है, यहाँ से थर्ड है। 10वें नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर और 140 मीटर है,
दो रेलगाड़ियाँ 160 मीटर, 140 मीटर। अभी ये नहीं पता है कि कैसी चल रही है, विपरीत में है, तो अभी दिशाओं का हमने इसमें मेंशन नहीं किया। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पटरियाँ एक दूसरे के अगल बगल हैं, लेकिन एक अगर इधर की ओर जा रही है तो एक इधर की ओर जा रही है, विपरीत दिशाओं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो लगेगी वो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, तो 160 प्लस 140 टोटल अगर देखा जाए तो 300। ठीक है, 300 मीटर ये कुल डिस्टेंस कवर करेंगे वो। विपरीत दिशाओं में 77 किलोमीटर पर आवर तथा 67 किलोमीटर पर आवर, ये जो है हमारी 77 किलोमीटर पर आवर और ये है 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। ठीक है, तो इनकी जो पार करने की चाल बनेगी, एक दूसरे को पार करने की चाल यानी स्पीड, वो क्या बनेगी, तो 77 प्लस 67 बताया था अभी हमने। विपरीत दिशाओं में चालें हमेशा जुड़ती हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा इसका, 7, 7, 14, 7, 6, 13 और 1, 14 144 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से एक दूसरे को वो पार करेंगे। और जब इस स्पीड से वो एक दूसरे को पार करेंगी तो पूछा क्या गया है कि वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, समय पूछा गया है। तो हमारे पास फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 300 है लेकिन स्पीड जो है वो, अब देखिए डिस्टेंस हमारी मीटर में, ठीक है, जो स्पीड है वो हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर लेते हैं, 144 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, बड़े से छोटा तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ठीक है। अब अगर इसको हम चेंज करें तो 18, 8, 144 8, 5, 40 ये हो गया हमारे पास 40 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी स्पीड टोटल आ गई। और इस 40 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 7, 28 दो बटे 3। अभी और इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, एक मिनट देखिए क्योंकि ऑप्शन में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 4 से 2 × 4 15 × 30 यानी 7.5 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है, 7.5 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दो ट्रेनें हैं, विपरीत दिशाओं में चलेंगी, चालें जुड़ेंगी, एक ही दिशा में चलेंगी, चालें घटेंगी, क्योंकि हमें पार करने की स्पीड पता करनी है, ना कि उन दोनों की स्पीड। ठीक है ना, पार करने की स्पीड क्या है वो देखनी है, और पार करने की जो स्पीड होगी इस वो इसके बाद डिस्टेंस जो होगी वो दोनों वस्तुओं का योग होगा, वो चाहे रेल हो और आदमी हो बगल में, तो आदमी का हमने नगण्य मान रखा है कि डिस्टेंस उसकी नगण्य होती है, इसलिए फिर केवल ट्रेन जोड़ी जाएगी। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारा है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 180 मीटर लंबी, ठीक है ना। चलिए एक ट्रेन है 180 मीटर लंबी है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, और अपनी ही दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे व्यक्ति, एक ही दिशा में चल रहे व्यक्ति भी चल रहा है, व्यक्ति भी इधर की ओर है और इधर भी चल रहा है, इसकी चाल क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल है, व्यक्ति की चाल। कितने समय में व्यक्ति को ट्रेन पार कर लेगी, ये बात पूछी गई। ठीक, पर सबसे पहली बात हमारी डिस्टेंस क्या आती है, डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों का योग करते थे, यहाँ क्या करेंगे, रेलगाड़ियाँ नहीं है तो एक रेलगाड़ी प्लस वो आदमी, आदमी को नगण्य मान लेते हैं, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही हमारी टोटल डिस्टेंस कहलाएगी, इतनी मीटर हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। इसके बाद बात आती है किसकी,
तो चाल की बात आती है यानी स्पीड की, स्पीड हमारी क्या होगी, एक ही दिशा में आपस में क्या होता है, अंतर होता है चालों का अंतर, ठीक है ना, विपरीत दिशाओं में चालों का योग और एक ही दिशा में चालों का अंतर। चाल 20 थी और ये 10 है, यानी जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो 10 मीटर एक्स्ट्रा से पार करेगी, तो पार करने की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें चाहिए टाइम, टाइम इज इक्वल टू फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 180 है और ये 10 है, मीटर पर सेकंड में ये भी है, मीटर में ये भी है, तो जब मीटर पर सेकंड होगा तो सेकंड हमारा बच जाएगा सॉल्व करने पे, 10 कुल मिलाकर हमारा जो सोल्यूशन आया वो 18 सेकेंड आया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एक तो समझ में आ गया होगा इस तरीके क्वेश्चन, 18 सेकेंड में आ गया समय, बात फिर से वही है, अंतर सिर्फ इतना है। अब यहाँ अस्थाई चीज़ें हैं, दोनों साथ साथ चलेंगी, ट्रेन भी हो सकती हैं, मनुष्य और ट्रेन भी हो सकता है, जो भी चीज़ें होंगी आपको मेंशन किया जाएगा। अभी क्या होता था पिछले सवालों में कि एक स्थिर था, एक चल रहा था, सेम कंडीशन वही है, करना वही है, करने का तरीका वही है, ढंग वही है, सारा कुछ वही है, बस केवल आपको तरीका बदलना है थोड़ा सा, कि दोनों को लेकर चलना है, विपरीत दिशाओं में याद रखना है कि चालें जुड़ती हैं और एक ही दिशा में चलने पर चालें घटती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यही आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, समझ लेते। क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए देखा, ठीक है, एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए देखा। चलिए भाई, ये एक आदमी है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, इन्होंने ये देखा कि विपरीत दिशा से आती हुई ये इधर की ओर अगर जा रहे हैं तो इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर की ओर आ रही है ट्रेन विपरीत दिशा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी है, ये 225 मीटर लंबी है, एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है, कितने सेकंड में, 9 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ये पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। आप समझिए जरा बहुत ही ध्यान से, इसकी स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर बराबर, समय कितना लग रहा है, 9 सेकेंड का। रेलगाड़ी की चाल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो समझना हमको इस तरीके से है कि दोनों को पार करने की जो आएगी स्पीड वो कैसे आएगी, हम इसको भी एक अपना टैग दिए दे रहे हैं, वो टैग है इम्पॉर्टेंट ना होकर वेरी इम्पॉर्टेंट का, ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट का है, समझिए। तो जो इसको हमने टैग दिया वो इम्पॉर्टेंट का नहीं वेरी इंपॉर्टेंट का दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपने आप में थोड़ी सी दम रखता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। हमें चाहिए स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू फार्मा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है, डिस्टेंस हमारी 225, टाइम हमारा 9 सेकेंड, सॉल्व करेंगे अगर 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 25 मीटर प्रति सेकेंड आंसर हमारा आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब किलोमीटर पर आवर में आंसर है तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 से गुणा कराएंगे, छोटे से बड़ा फाइंड करना है, ठीक है। तो 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर, सबको ये लग रहा होगा कि आंसर आ गया 90 किलोमीटर पर आवर और हमने ऑप्शन बी हमको मिल गया 90 किलोमीटर पर आवर का कहीं है ये दिया गया डी, तो हमने लगा दिया ऑप्शन, बस यहीं पर बात गलत हो जाएगी और आपका क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। बात समझनी ये है कि अभी हमारी कुछ चीज़ जो छूट रही है वो किस तरीके की छूट रही है ये समझना है। ये जो 90 किलोमीटर पर आवर आया है ये तब आया है जब ये क्या कर रही है, ट्रेन पार कर रही है, और पार करने का मतलब ये होता है ये ओवरऑल स्पीड आती है, ओवरऑल का मतलब ये हमारी पार करने की स्पीड आती है, पार करने की स्पीड होती है भैया, पार करने की स्पीड मतलब अब दोनों चल रही हैं तो एक अपने हिसाब से चल रही होगी, एक अपने स्पीड से चल रही होगी, मतलब आदमी चल रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है,
तो ट्रेन भी तो चल रही है अपने स्पीड से, और दोनों जब स्पीड से चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है, क्या चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो जब सॉरी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब एक इधर एक इधर, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें जुड़ती हैं, ये सबको पता है। और जब चालें जुड़ती हैं मतलब ये जो स्पीड आई है, ये जुड़ी हुई स्पीड आई है 90, तो क्या जुड़ा है, एक तो ट्रेन की स्पीड जुड़ी है प्लस इसकी जुड़ी है, तो इसकी कितनी जुड़ी है, 5 जुड़ी है, यानी अगर हमको केवल ट्रेन की स्पीड चाहिए तो अगर हम 5 को इसको घटा दें तो ये 85 किलोमीटर पर आवर जो आएगा ये हमारा क्या आएगा, इस ट्रेन की स्पीड आएगी, इस ट्रेन की स्पीड आएगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, हमने कहा इसका आंसर हम लाए 85 किलोमीटर पर आवर। अब गौर से समझिए, गौर फरमाइए थोड़ा सा। हमने अगर क्वेश्चन ये होता कि 5 किलोमीटर पर आवर से ये व्यक्ति जा रहा है और 85 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, विपरीत दिशाओं में जा रही है, तो हम अगर स्पीड आपसे पूछते तो आप क्या कहते कि 85 ये इसकी जाने वाली और प्लस 5 ये वाली, यानी 90 किलोमीटर से वो ट्रेन एक दूसरे को, ट्रेन और व्यक्ति एक दूसरे को 90 किलोमीटर से पार करेंगे, और 90 किलोमीटर से जब पार करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर जो आया है ये ओवरऑल स्पीड आई है, मतलब पार करने की स्पीड आई है, तो 85 जो था इज द राइट आंसर। कब, जब ये विपरीत दिशा में चलें तो जुड़ेंगे, और अगर इसी पे दिस एक ही साथ एक दिशा में चल रहे होते तो बात कुछ अलग आती, फिर हमारा क्या आता, 90 था, 95 आंसर आता, जो कि इस पे अभी नहीं दिया गया, ठीक है, वो तब बात आएगी जब एक ही दिशा में होता, ठीक। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी, सारे क्वेश्चन आपके ट्रेन वाले क्लियर हो गए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें हमें मैसेज कर सकते हैं, और जैसा भी होगा अभी आपको धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हमारे पास आपको PDF भी मिलेंगी कुछ समय बाद, टेलीग्राम चैनल पे ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।